नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि पर किया नमन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। राष्ट्र के लिए उनके योगदान को याद करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में भारत ने कई वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरा विश्व आज उन्हें मिसाइल मैन के रूप में जानता है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजधानी में सोमवार सुबह मिले 177 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राजधानी में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह की जानकारी के मुताबिक राजधानी में 177 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जीएमसी के 2 डॉक्टर्स और अन्य 2 डॉक्टर्स समेत 4 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजधानी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5491 हो गई है। 405 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची जारी। 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का इनाम घोषित। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने दरभा डिविजनल एरिया कमेटी के करीब 405 मोस्ट वांटेड नक्सलियों की सूची जारी की है। इन सभी नक्सलियों पर 1 लाख से 25 लाख रुपये के इनाम घोषित किए गए हैं। नक्सलियों से मुख्य धारा में आने की अपील करते हुए शासन की पुनर्वास नीति के तहत इनाम की राशि दिए जाने का संकल्प भी दोहराया है। जवानों पर नक्सलियों का हमला, मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिला नारायणपुर से मुठभेड़ की बड़ी खबर सामने आई है। यहां करडेमेटा कैंप में नक्सलियों ने बड़ा हमला किया है। इस हमले में 1 जवान के शहीद होने की खबर मिल रही है। शहीद जवान छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार करडेमेटा कैंप में सुरक्षा में लगे जवानों पर अचानक हमला कर दिया। ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों को गोली का जवाब गोली से दिया। बस्तर आईजी ने 1 जवान के शहीद होने की पुष्टि की है। पिता पुत्र ने की हाथी की हत्या। हाथी के 2 टुकड़े कर दफनाया जमीन में। जिले के दुगली पुलिस ने हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 5 साल पहले सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। दुगली के सिरकटा गांव में रहने वाले आरोपी पिता पुत्र ने करीब 5 साल पहले एक हाथी को करंट लगाकर मार दिया था। इसके बाद हाथी की हत्या को छुपाने के लिए हाथी के 2 टुकड़े कर जमीन में दफना दिया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस नेता के बेटे ने खुद को मारी गोली, मौत से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में एक कांग्रेस नेता के बेटे ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। युवक ने अपने कमरे में ही खुदकुशी की। वहीं गोली चलने की आवाज़ सुनकर पहुंचे घर वाले बेटे की हालत देखकर हैरान रह गए। जानकारी के अनुसार यह मामला कोतवाली थाने के बाबूपारा इलाके की घटना है। कांग्रेसी नेता के पुत्र अर्जुनेंद्र सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि परिजनों ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसके मौत की पुष्टि की। इधर मौत की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर जांच के लिए एसपी समेत पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल पुलिस परिजनों और मृतक के दोस्तों से पूछताछ करना शुरू कर दिया है। देश में पहली बार आए करीब 50,000 नए केस। भारत में कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या के साथ साथ मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में संक्रमितों की संख्या अब 14 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 49,931 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 708 लोगों की मौत भी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन पर फिर किया डिजिटल स्ट्राइक। 47 और चीनी ऐप को किया भारत में बैन। नरेंद्र मोदी सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 47 और चीनी ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। पिछले महीने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जल्द ही इसकी सूची जारी की जाएगी। इसके अलावा करीब 250 चीनी ऐप्स की एक सूची बनाई जा रही है, जिनकी जांच की जानी है। इन पर यूजर की गोपनीयता को भंग करने का आरोप है।
बिहार में बाढ़ से तबाही, 10 लाख लोग प्रभावित। बिहार में बाढ़ का प्रहार और तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। लोग जान बचाने के लिए घर का सामान और मवेशी छोड़ नेशनल हाईवे और दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण ले रहे हैं। नदियां रौद्र रूप दिखा रही है, गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। मोतिहारी में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित है और करीब 10 लाख आबादी पर बाढ़ ने असर डाला है। रविवार को बिहार में बाढ़ के हालत अधिक गंभीर हो गए थे तथा बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई। असम और बिहार में बाढ़ से करीब 40 लाख लोग प्रभावित है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में महेश भट्ट को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कंगना रनौत ने लगाए हैं कई आरोप। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को बांद्रा पुलिस स्टेशन में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि वह आज जाएंगे या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि महेश भट्ट पूछताछ के लिए पेश होने के लिए पुलिस से आगे का समय भी मांग सकते हैं। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन के CEO अपूर्व मेहता को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया जाएगा। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।